हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक सेठा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है, यहाँ पे जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल 7.1, उसके बाद 7.2 और उसके बाद 7.3, ठीक है। एग्जाम्पल 7 देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टेसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स आर 100 ग्राम, 150 एंड 200 ग्राम रिस्पेक्टिवली। ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक्सिस सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब किसको ओरिजिन पे रखना है वो आपके हाथ में है। तो सपोज मैं यहाँ का एक पोजीशन ले लेता हूँ ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। यहाँ पे कोई एक पोजीशन ए, अब देखो 0.5 मीटर लॉन्ग कहा है ट्रायंगल की साइड, तो x कोऑर्डिनेट आएगा 0.5 और y आएगा 0, ओके। अब यहां पे देखते हैं, ये सपोज पोजीशन है b, तो यहां पे क्या बनेगा? तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0.5, देखो यहां पे एंगल बनेगा 60 डिग्री, तो ये साइड का बनेगा cos 60 और ऊपर वाला कोऑर्डिनेट बनेगा y कोऑर्डिनेट sin 60, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 cos 60, 0.5 sin 60, 0.5 into 1/2 और 0.5 into √3/2, ठीक है। तो ये बना 0.25 और दूसरा बना 0.25 इंटू √3, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x1 y1 नाम दे देते हैं, यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे x3 y3, यहाँ पे नाम देते हैं x3 y3। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। xcm के लिए क्या करोगे आप, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब चलो, m1 की वैल्यू कितनी है 100, x1 देखो यहाँ पे 0 है, x2 देखो 0.5 है और m2 आपको कितना दिया हुआ है 150। यहाँ पे याद रखना, हमने जो मास सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे 100 ग्राम है और उसको नाम दिया है m1। यहाँ पे m2 इक्वल टू 150 ग्राम है और यहाँ पे जो मास है m3 इक्वल टू 200 ग्राम है, ठीक है। तो 100 इंटू 0, 150 इंटू 0.5 प्लस 200 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 100 प्लस 150 प्लस 200, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 5.18 मीटर में, ठीक है। सेम वे आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, y cm इक्वल टू क्या करोगे, m1 y1 प्लस m2 y2,
प्लस एम थ्री वाई थ्री डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। बस इसमें वैल्यूज डाल दो, जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स डाले थे वैसे ही y1 की जगह पे आपको 0 रखना है, y2 की जगह पे भी 0 रखना है और y3 की जगह पे 0.25 इंटू रूट थ्री रखना है। नीचे तो सारे मासिस रखने ही हैं और आपको आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाई 3 रूट थ्री। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाई 3 रूट 3 मीटर। तो फिर ये सेंटर ऑफ मास किधर आया, तो जिसका x कोऑर्डिनेट 5/18 है और y कोऑर्डिनेट 1/3√3 है, ठीक है। अभी एग्जांपल 7.2 देखते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्राइंगुलर लेमिना, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्राइंगुलर लेमिना। सपोज ये ट्राइंगुलर लेमिना है एक, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है। आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए टेक्स्ट बुक में M, N और ये L। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए एक मेथड है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, बाईसिमेट्री हर एक जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसमें ये लेमिना को डिवाइड करेंगे और सभी पार्ट्स का सेंटर ऑफ मास प्रिडिक्ट करेंगे। सभी सेंटर ऑफ मास की हम एक लाइन बनाएंगे और हर एक साइड्स के लिए पैरेलल लाइंस में स्ट्रिप्स बनाते जाएंगे और सभी की लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमें मिलेगा सेंटर ऑफ मास। जैसे देखो, अभी आपको समझ में अच्छे से नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो कि सपोज आपने ये लेमिना को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ये एक दो ऐसे अलग अलग स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर दो, तीन ये चार ये पांच। अब हमें पता है कि सभी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर में। तो ये एक सेंटर, दूसरा एक सेंटर, तीसरा एक सेंटर, ये और एक ये लाइन के लिए सभी को कनेक्ट करती हुई एक लाइन खींच दो। तो मैंने लाइन खींची ऐसे, सभी में से पास होती हुई एक लाइन, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं उन सब को हमने कनेक्ट कर दिया। अब एक लाइन से तो हमें सेंटर मिलेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम सभी स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल, जैसे यहाँ पे। अब जब यहाँ से हम स्टार्ट करें ऐसे तो ये लाइन से पैरेलल होनी चाहिए, मतलब देखो कुछ इस तरह। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से दूसरी, यहाँ से तीसरी लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, ठीक है। और सभी के मिड पॉइंट्स आप सिलेक्ट करो, सभी के मिड पॉइंट्स आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर एक लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है। सेम वे आपको जो थर्ड लाइन मिलेगी वो कुछ इस तरह मिलेगी और जहाँ पे सभी लाइन इंटरसेक्ट हुई, जहाँ पे सभी लाइन इंटरसेक्ट हुई ये आपका बन गया सेंटर ऑफ मास। ये पोजीशन जी पे आया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया पोजीशन जी और ये पोजीशंस को नाम दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल जो है शेप है ट्रायंगुलर लेमिना उसके सेंट्रोइड पे हमें मिल रहा है सेंटर ऑफ मास।
बट यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक पोजीशन पे इक्वल होना चाहिए, मतलब सरफेस मास डेंसिटी हर एक जगह पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं एग्जांपल 7.3 पे। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना अ थिन फ्लैट प्लेट विद डायमेंशंस एज शोन। द मास ऑफ द लेमिना इज 3 किलोग्राम। तो ये तीन सेगमेंट में यहाँ पे डिवाइडेड है, तो इसका 1 किलोग्राम होगा, इसके लिए 1 किलोग्राम और इसके लिए भी 1 किलोग्राम। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। C1, C2 एंड C3 के पोजीशंस वेक्टर्स निकालो। जैसे C1 का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, तो उसका ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चेक करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, सभी को कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देते हैं। C3 और C1 के लिए देखो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है, C2 के लिए x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, C1 C2 के लिए y कोऑर्डिनेट सेम है, तो C3 के लिए y कोऑर्डिनेट सेम चेंज होगा। ये टोटल डिस्टेंस है 2, तो ये हुआ 1, तो फिर ये बन गया 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 3/2 क्योंकि 1.5 है। सेम वे यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा 3/2 y कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो तो मुझे जो R1 वेक्टर मिला पोजीशन ऑफ C1 मुझे मिला 1/2 1/2, जो R2 वेक्टर मिला वो पोजीशन ऑफ C2 वो 3/2 1/2, और जो R3 वेक्टर मिला वो C3 के लिए x कोऑर्डिनेट 1/2 y कोऑर्डिनेट 3/2, तो ये 1/2 3/2। जितने भी मास मुझे मिले वो 1 किलोग्राम m1 m2 m3 सभी का मास 1 किलोग्राम क्योंकि टोटल मास है 3 किलोग्राम। तो सेंटर ऑफ मास का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, RCM = m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector divided by m1 plus m2 plus m3। तो यहाँ पे 1 × r1 क्या है, 1 × r1 है 1/2 1/2 प्लस 1 × r2 है 3/2 1/2 प्लस 1 × r3 है 1/2 3/2 डिवाइड बाय 1 + 1 + 1। तो ऊपर देखो x कोऑर्डिनेट का एडिशन करो, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का एडिशन करोगे तो 1/2 + 3/2 + 1/2, y कोऑर्डिनेट का करो तो 1/2 + 1/2 + 3/2, नीचे 1 + 1 + 1 बनेगा 3। चलो x कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला, तो 2 कॉमन निकलेगा, 5/2 बनेगा, तो ये बना 5/2। सेम वे दूसरी तरफ भी 5/2 और डिवाइड बाय 3, तो आपको मिल गया 5/6 5/6, x एंड y कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ मिल गए। ठीक है, तो ये मिला आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, x cm मिला 5/6, y cm भी मिला आपको 5/6। यूनिट लिखना नहीं भूलोगे आप, इसलिए फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको मीटर लिखना पड़ेगा, यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एग्जांपल 7.3 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अगर एग्जांपल में आपको कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो, और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, खुद से लिख के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लास्ट हमने जो थियरी में पढ़ा था वो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके बाद हमने 3 एग्जांपल सॉल्व किए। अभी स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो अगर किसी को डाउट है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।